खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना लोनी पुलिस टीम ने नगरपालिका मार्ग पर चेकिंग के दौरान बदमाश को पकड़ लिया। बता दें, चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध युवक को पुलिस ने रोका तो उसने तेजी से भागते हुए पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश पर गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गया। वहीं पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं अभियुक्त के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आलोनी के DLF चौकी के अंतर्गत वाहनों में लगातार हो रही चोरियों के क्रम में आज थाना आलोनी और SWAT टीम देहात के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। प्रतिदिन की भांति एक काले रंग की मोटरसाइकिल पे संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो पुलिस टीम को देख करके उसने मोटरसाइकिल मोड़ करके भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने साहस का परिचय देते हुए घेराबंदी की। ये खन्ना नगर गढ़ी कटैया जो मार्ग है, इसी से सर्विस रोड की तरफ वो बढ़ा। पुलिस टीम द्वारा ललकारने पर उसने पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश घायल हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम डब्बू पुत्र गंगाधर शिव बिहार करावल नगर का रहने वाला बताया। ये थाना लोनी से चोरी के मुकदमों में वांछित भी चल रहा था। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई। लगभग 1.5 दर्जन आपराधिक मामले इसके ऊपर संगीन धाराओं में दर्ज हैं। इससे और भी गहन पूछताछ की जाएगी। इसके पास एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कारतूस मिले हैं। इसको प्राथमिक चिकित्सा हेतु चिकित्सालय भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर जालौन से है, जहां एक युवक ने अपनी भाभी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार युवक ने भाभी को कुल्हाड़ी से काटकर आग के हवाले कर दिया। महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण वहां इकट्ठे हुए, जिसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आग से अध जले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इनके जो है लड़के की छोटे वाले की शादी नहीं हुई सर, तो इन घर वालों का क्या नाम है उसका? जो नीतू शर्मा कहाँ का है? कहाँ का रहने वाला है? आपकी बेटी की शादी उनके बड़े भाई के साथ हुई थी? सतीश शर्मा के साथ। तो आप क्या घटना हुई आपकी बेटी के साथ, पूरा बताएं। मेरी बेटी को सर कुल्हाड़ी से काट के मारा है। इन सब लोगों का हाथ है उसमें सर। किस किस का हाथ है? सास का, ससुर का, और हो सकता है इसके पति का भी हो। क्या मैं तो मौके पर उस पर थी नहीं। जी, मेरी लड़की ने बताया था सतीश के पिताजी जी, सतीश की माँ जी, और नीतू जी, और एक और प्रधान था कोई गांव का जी, और जी पंडित जी है वो जी। उन लोगों का प्लान बन रहा था कि इसको जान से मार दो, लकड़ी तो घर की है, कहीं लेने नहीं जाना है जी। और अगर सतीश भी बीच में आए तो उसको भी मार दो जी। हाँ, मेरी लड़की ने मुझे बताया था कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। आपकी बेटी को मार के जलाया है क्या? मार के जलाया है सर, खेत में लाया के ले करके आया है। उसको किसी बहाने से इससे लाया था, चलो तुम्हारी मम्मी के यहाँ जाओ, मैं गाड़ी में बैठा दूँ। इसलिए वो उसी टाइम लाया है, 12 बजे का टाइम, गाड़ी का टाइम रहता है जी। बस जाती है नड़ी गाँव से ग्वालियर जी। मानवता और इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला जनपद जालौन से सामने आ रहा है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं, जनपद जालौन के नदीगांव क्षेत्र के कुरचौरी गांव से एक मामला सामने आ रहा है, जहां पर देवर ने अपनी भाभी को पहले तो कुल्हाड़ी से काटा और उसके बाद उसको आग के हवाले कर दिया। संबंधित मामले में जो जानकारी हमारे पास सामने आ रही है, उसके मुताबिक देवर अपनी भाभी पर गलत निगाह रखता था और वो चाहता था कि उसके साथ अवैध संबंध बनाकर उसके साथ पत्नी की तरह रहे, रखेल की तरह। जब पूजा जो उसकी भाभी का नाम है, उसने जब इसमें इनकार किया तो गुस्से में आकर उसने कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको सबको छिपाने के लिए, यानी अपनी गुनाह को छिपाने के लिए सबको आग के हवाले कर दिया। लेकिन जब इस समय वो कुल्हाड़ी से बाहर कर रहा था, उस समय चीखते चिल्लाने पर स्थानीय लोगों ने उसको सुना और सुनने पर स्थानीय पुलिस यानी खंभी बरती नदीगांव पुलिस को सूचना दी है। इस जघन्य हत्याकांड की सूचना मिलने पर जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। आरोपी जो देवर है, उसका नाम अविनाश और नीतू बताया गया है, अविनाश और नीतू शर्मा, उसकी तलाश में जो है दबिश दी जा रही है। और अपर पुलिस अधीक्षक की अगर हम माने तो आरोपी शीघ्र ही गिरफ्तार होगा और सलाखों के पीछे होगा। खबर चित्रकूट से है, जहां घर वापस जा रहा युवक हल्दी डांडी में गंभीर अवस्था में घायल और बेहोश हालत में मिला। वहीं ग्रामीणों द्वारा एम्बुलेंस की मदद से CHC मानिकपुर भेजा गया। CHC पहुंची घायल युवक की बहन ने बताया कि उसका भाई मोटरसाइकिल से किसी काम को लेकर के बाहर गया हुआ था। वहीं घर वापस आते समय युवक घटना का शिकार हो गया। युवक की स्थिति गंभीर होते देख जिला अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया है। ये तीन ग्राम में गया, फिर गिरावट में
अब इनके साथ में लोग कब आए, अब कहाँ पता कि कौन का कहाँ से कहाँ कहाँ दिए आने को मेरी बात से वही भाई दिखे ने तो भेजा भाई कि कहाँ तेल पर आने गए रहे हैं। अरे वो बिहार की डाड़ी के जरावा में। हाँ घर कहाँ इनका? घर तो यहाँ पर आए। क्या नाम आपका? राम के लड़का। उनका जो एक जिनका एक्सीडेंट हुआ उनका राम के नाम। खबर हापुड़ से है जहां बाबूगढ़ पुलिस और एसओजी टीम को चेकिंग के दौरान एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान चार शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना क्षेत्र में हुई दो चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद किया है जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। देखिए थाना बाबूगढ़ पुलिस टीम तथा स्वाट की पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चार शातिर अंतर्राज्यीय चोर को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इन चोरों के नाम सचिन, रमेश, राजकुमार तथा गुलजार हैं। ये क्रमशः शाहजहांपुर, नोएडा तथा मेरठ से संबंधित हैं और इनकी निशानदेही से लगभग 15 लाख का चोरी का सामान बरामद हुआ है, जिसमें 5 बैटरी और 5 स्टेबलाइजर, बंडल फाइबर केबल्स के बंडल मिले हैं। ये मोडस ऑपरेंडी इनकी है कि ये मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करते हैं, वाहनों को जो एकांत में वाहन खड़े रहते हैं उनकी बैटरी चोरी कर लेते हैं, और फाइबर भी जो ये चुराया है इन्होंने मोबाइल टावर से चुराया है। इन्होंने आसपास के कई जनपदों में घटना की है। कुल 11 मुकदमे इनका आपराधिक इतिहास है, जो कि क्रमशः मेरठ, हापुड़, बागपत से संबंधित मुकदमे हैं। बुलंदशहर से भी इन्होंने चोरियाँ कबूली हैं और ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, आसपास के अन्य राज्यों में भी इन्होंने चोरी की है। इनके जो अभी तक नोन सदस्य हैं वो हमारी गिरफ्त में हैं। इनसे पूछताछ के अनुक्रम में कुछ और नाम आए हैं जिनको हम वेचना के अनुक्रम में बाद में गिरफ्तार करेंगे और ऑल मार बरामद करने में सफलता प्राप्त करेंगे। खबर फरक्काबाद से है जहां बिजली विभाग के अवर अभियंता के खिलाफ युवा व्यापार मंडल ने सड़क पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने युवा व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद व्यापारी नेताओं ने कोतवाली का घेराव किया तो करीब 1 घंटे के बाद पुलिस ने अध्यक्ष को छोड़ दिया। आपको बता दें लक्कूला फीडर के जई शहर के मोहल्ला छोटी गड़ी में बंच केबल डालने पहुंचे, लेकिन उन्होंने बंच लेकर ट्रांसफार्मर से नहीं जोड़ी, जिस पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। खबर आगरा से है जहां मलपुरा न्यू दशरी बाईपास पर एक तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई। इस दौरान हादसे में कार में सवार सीओडी कर्मी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। बिजनौर में गंगा आरती आयोजन किया गया। आपको बता दें गंगा आरती का आयोजन पिछले 19 सप्ताह से लगातार किया जा रहा है। गंगा आरती के कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बिजनौर विभाग संचालक महेश जी ने मनुष्य के जीवन में गंगा का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व की विस्तृत चर्चा की। कानपुर के काकादेव कोचिंग मंडी में एक ट्रैक्टर और बाइक में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रैक्टर चालक को पुलिस ने हिरासत में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में पुलिस अफसर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक पत्रकार के साथ बदसलूकी करने लगे। आपको बता दें लखनऊ के जॉइंट कमिश्नर पीयूष मोर्टिया पत्रकार से बदसलूकी करने लगे। मामला लखनऊ के जेसीपी का है, जहां एक पत्रकार के सवाल करने पर लखनऊ के जॉइंट कमिश्नर पीयूष मोर्टिया ने बदसलूकी करते हुए पत्रकार को धक्का दे दिया और साथ ही पत्रकार के कैमरामैन से भी बदतमीजी की। आप छोड़िए, 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 आप छोड़िए,
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग द्वारा रोडवेज बस ड्राइवरों को घनी कोहरे को देखते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सड़क परिवहन विभाग द्वारा कहा गया है कि घने कोहरे और धुंध में जब विजिबिलिटी कम हो और दुर्घटनाओं की संभावना हो तो रोडवेज बसों को सड़क किनारे बने ढाबों, बस स्टैंड, पुलिस थाने आदि जगहों पर खड़ा करके विजिबिलिटी क्लियर कर के फिर यात्रा करें। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ की ओर जा रहे हैं? आगरा से आए थे, इटावा नाइट करी थी, इटावा से सुबह डिनर साथ। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार के जो दिशा निर्देश हैं कि जैसे कोहरे में 12 बजे के बाद आप गाड़ी कहीं ढाबे या खड़ी कर सकते हैं, उसके बाद आ जा सकते हैं, तो क्या ऐसा हुआ है? इंचार्ज लोग बोलते हैं जी स्टेशन पे। अच्छा, तो इस समय घने कोहरे में आप लोगों को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? घने कोहरे को समस्या क्या, वाहन दिखाई नहीं देता सामने का जी, रॉन्ग साइड गाड़ियाँ चलती है उल्टी सीटी, इसलिए बहुत तकलीफ होती है हम लोगों को। अच्छा, ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आप पर होती है क्योंकि आप एक ड्राइवर हैं और पीछे का लगभग 50 के आसपास सवारियां बैठ के जाती हैं, तो ऐसे में आपका आपकी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है कि सवारियों को सुरक्षित पहुँचाएं। बड़ी को लेकर जी घटनाएं होती हैं, रास्ते दिखाई नहीं देता है, सही सलामत चलना चाहिए, जहाँ भी स्टेशन पर नहीं पहुँचे फिर भी मतलब होटल पे या पुलिस चौकी पे या फुटबॉल ग्राउंड पे कहीं भी खड़ी कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी हमारे लोगों की है। अच्छा, इस समय घना कोहरा है, धुंध है, विजिबिलिटी कम है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि किन किन सावधानियों का आप पालन करना चाहिए ताकि यात्रियों को सकुशल उनके स्थान तक छोड़ा जा सके? मतलब नियम का पालन यही है कि मतलब यात्री सुरक्षित पहुँच रही है, किसी प्रकार की घटना न हो। जब तक ये उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें हैं, कोशिश यही करिए कि सारे लोग प्राइवेट से न जाके बसों को थोड़ा सा वेट करके यहीं से जाइए, जिससे कि कोहरे की वजह से आराम से जा सकते हैं, और ये पूरी जिम्मेदारी रहती है धीमे से बसों को चलाना और अच्छे से सुरक्षित जगह में हम लोगों को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक हम लोगों को जाना रहता है।